मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमीनाबाग में एक चौल में बने मकान पर 9 मंजिला इमारत से ईंट गिरा है। मकान का पतरा पूरी तरह से टूट गया है। अमीनाबाग के साफिया चौल में फरीद खान के मकान पर अरमान अपार्टमेंट के 9वें मंजिल से ईंट गिरने से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि मकान मालिक पड़ोसी को चाबी देकर दिल्ली में रह रहा है। पड़ोसी मकान का देखभाल करता है और मकान में किसी के ना होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अरमान अपार्टमेंट के 9वें मंजिल से ईंट गिरा है, अगर इसमें कोई रहता तो उसका क्या हश्र हुआ होता। साफिया चाल में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि अरमान अपार्टमेंट से आए दिन कुछ ना कुछ हमारे घरों पर गिरता है। रात के समय इमारत से कचरा भी फेंकते हैं। इमारत और चौल के बीच के घरों में जो थोड़ी सी जगह बची हुई है उसमें इमारत में रहने वाले लोग कचरा फेंका करते हैं और इसे गटर बना दिया है। इमारत में रहने वाले लोगों ने कचरा फेंक कर इसे गटर बना दिया है, जिसकी वजह से साफिया चाल में रहने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बिल्डर का कहना है कि टेरिस बंद है तो ईंट कैसे गिरेगी, टेरिस के चारों तरफ सुरक्षा दीवार है। हालाँकि हो सकता हो कि सुरक्षा दीवार पर ईंट रखा हो और हवा या किसी और वजह से चौल में बने मकान पर गिरा हो, क्योंकि ईंट का एक टुकड़ा सुरक्षा दीवार के बाजू में ही मिला है। हालांकि स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते कि इमारत की 9वीं मंजिल से ही या टेरिस से ईंट गिरा हो, लेकिन चौल में रहने वाले लोगों का कहना है कि इमारत की 9वीं मंजिल से ही ईंट गिरा है। सुनिए चौल में रहने वाले लोगों ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका? शाहजहां से। अच्छा, ये जो पतरा गिरा है किसका घर है ये? वो गया गाँव, मेरा हाथ में चाबी है, मैं जाती हूँ देखभाल करती हूँ ऊपर से। कौन सी इमारत से? ये 9 माले की। क्या नाम है इमारत का? बिल्डिंग है अरमान अपार्टमेंट। तो क्या हमेशा ऐसे? हाँ, हमेशा रोज ही, हमेशा नहीं, रोज गिरता रहता। क्या क्या नहीं फेंकते उन लोग, कभी क्या फेंक रहे, कभी क्या फेंक रहे। अभी बाजू का भी पतरा अभी टूटा हुआ है, बोले हैं तो आज बना के दे रहे, कल बना के दे रहे, 3 महीने हो गए बाजू का पतरा भी, अभी तक डाल के नहीं दिया। पूरा पानी आ रहा घर में और अभी ये टूट गया। फोन करे तो नहीं हूँ बोल के। इतना बड़ा पतरा आखिर 9वें माले से क्या ऊपर रखा था या ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ था? कैसे आया? अभी कचरा फेंकते रहते ना उन लोग, वो जम गया और अभी ईटा गिरा है तो वो पाइप जब कचरा डालेंगे लोड होएगा ना तो नीचे टूटेगा ही, नुकसान तो होएगा ही। अभी हमने भी परसों साफ करा, हमारा छपरा तो 4-5 गुना ही कचरा निकला है, नहीं तो हमारा भी ऐसे बैठ गया होता था नीचे, हम भी जाते थे। अभी कल साफ किया। अभी ये जो पतरा टूटा है तो ऊपर से क्या चीज है सर? वो देखो इधर ईंट पड़ी है, ईंट गिरा था ऊपर से, ईंट गिरा है। बोल बोल के साथ है, देखो अभी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो किसको बोलेंगे हम लोग? हमारी जान को तो डर ही है ना रोज का। बिल्डर से आप लोगों ने शिकायत की इसके बारे में? हम लोग थक गए। वो बिल्डर कोई डकार नहीं लेता है, जो 9 माले की बिल्डिंग में ये सरफराज है वही उनके हाथ में है सब कुछ। वो बोलते हैं मैं अभी आता तभी आता, कल भी मैंने उनको बुलाई लेकिन एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते। कितनी बार ईंट गिरने की घटना कितनी बार होती है? हमेशा का। साल के 12 महीने हम लोग को तरस देते ही रहते हैं। घरों पे गिरता है आप लोगों के? हाँ, घरों पे गिरता है, घरों में गिरता है। हम लोग का पतरा भी टूट गया, पतरा भी लगा के नहीं देते, हम ही लोग अपने गरीबी से खर्चा करते देते। अभी हम लोग सब बता भी नहीं सकते ना उसके ऊपर कि क्या क्या हम लोग फेंकते। अभी पिछले हफ्ते हथौड़ी गिरी, वो पतरे पे हथौड़ी गिरी। अगर घर में गिरी आवे तो क्या आएगा? कभी हथौड़ी आ रही, कभी पतीले आ रही, कभी गिलास आ रहा है, कभी माँ बहन पे गिरी आएगा तो क्या आएगा? हमको एक ही काम करना है, या तो बिल्डिंग को आधी करो, 4 माला कम करो, या तो सील करो, बस यही बात। महिलाओं का कहना है कि जो ईंट गिरते हैं ऊपर से, तो इमारत से कितनी बार ईंट गिरने की घटना ये है? जब से बिल्डिंग बनी है हर महीना कुछ ना कुछ चलता है। हर महीने का तो छोड़ो, रोज का है, रोज का है, रोज का है, महीने में कभी, रोज का है। इधर सोना दुश्वार करे वो लोग, जरा कुछ गिरता है तो बाहर निकल के भागना पड़ता है हम लोग को। 12 बजे 1 बजे कुछ ना कुछ रोजना फेंकते ही है। अभी इससे पहले हम लोग ने परसों साफ किए तो हथौड़ी मिली, बैट मिला, सब मिला ऊपर से, 7 गोने तो खाली कचरा निकला है हमारे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।